नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड के डिवेल्यूएशन के बारे में। कुछ देर पहले ही सारे एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड के ग्राहक को ये पीडीएफ भेज दिया गया है, तो चलिए जान लेते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुआ है। यही क्रेडिट कार्ड का पीडीएफ सभी को आया है। यहाँ पर लिखा हुआ है 15 जून 2023 से ये जो चेंजेस है वो लागू होता है एस क्रेडिट कार्ड के लिए, सिर्फ एस क्रेडिट कार्ड के ग्राहक को। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो बिल पेमेंट, इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोग करते थे गूगल पे के थ्रू, डीटीएच रिचार्ज वगैरह, ये सब पे ऊपर 5% जो कैशबैक था अनलिमिटेड था। और ये जो स्विगी जोमेटो ओला पे भी जो कैशबैक था वो 4% अनलिमिटेड था। तो ये दोनों को मिला के अब 500 रुपये कैपिंग लगा दिया गया है। हाँ दोस्तों, 500 रुपये अब कैपिंग लगा दिया है, वो अभी अनलिमिटेड नहीं रहा। और जो अदर मार्ट चेंजेस था उस पे 2% था, वो अनलिमिटेड है, वो सेम ही है। लेकिन ये एक बड़ा डिवेल्यूशन हो गया, सबसे बड़ा इंडिया का क्रेडिट कार्ड का डिवेल्यूशन पूरा ख़त्म ही हो गया मानो। यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल के थ्रू कि क्या क्या होगा। अगर आपके पास 35,000 का एक बिल आया है, उसमें रिचार्ज यूटिलिटी 5,000 का है और स्विगी जोमेटो 10,000 का है, और अदर्स जो ट्रांजेक्शन है वो अदर्स मर्चेंट पे वो आप 20,000 रुपये लगभग किए हो, तो यहाँ पर अदर्स पे दिखा रहा है कि 10,000 आप EMI परचेज भी किए होंगे, तो उसका भी एक भाग करके दिखा दिया हुआ है। तो यहाँ पर वही दिखा रहा है कि 5,000 रुपये जो मेरा गूगल पे से पे हुआ है, वो 5,000 रुपये का मेरा 5% कितना होता है 250 रुपये, और ये जो 4% है मेरा स्विगी जोमेटो वहाँ पर 400, और 2% अदर्स पे 200 रुपये। तो ये सभी को कुल मिला के आपको 500 तक ही रुपये मिलेगा। ये जो आप टोटल किए होंगे, इसमें जो गूगल पे और अदर्स स्विगी जोमेटो वाला था उसमें आपको सिर्फ 650 की जगह 500 ही मिलेगा, और अदर्स में जो 200 था वो 200 ही मिलेगा। तो 500 + 200 आपको कुल मिला के होते हैं 700 रुपये। तो हाँ दोस्तों, अब आपको ये 500 रुपये कैपिंग लगा दिया गया है इस कार्ड के, तो मतलब बैंक के तरफ से। तो अभी और क्या हम कर सकते हैं, अभी तो यही करना होगा। 15 जून से ये लागू हो जाएगा जो चेंजेस हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर वही इस एग्जांपल दिया गया है अलग अमाउंट का, ठीक है। तो ये था पूरा PDF। अगर आप एक्सिस एस कार्ड होल्ड करते हो तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या डिवेल्यूशन हुआ है, ठीक है। यहाँ पर और एक भी दिखाया गया है कि अगर 15,000 जोमेटो और ये 11,000-20,000 अदर्स पे होगा तो यहाँ पर भी कितना आपको मिल सकता है। तो रिजल्ट वही सेम ही है, आपको वो 5% जितना होगा इतना होता है, और 4% 600 रुपये, और 2% 200 रुपये। तो ये यहाँ पर भी वो कुल मिलाकर आपको 500+ कॉम्बाइन होकर 700 ही मिलेगा, 500+ 200+ करके, और आपको इससे ज़्यादा अब नहीं मिलेगा। अदर्स में अनलिमिटेड मिलेगा, 2% जो था वही मिलेगा, लेकिन वो गूगल पे से आप जो भी करते होंगे रिचार्ज वगैरह और कुछ भी, तो उसमें अब आपको एक मंथ में, एक ही कैलेंडर मंथ में 500 तक ही मिलेगा, ठीक है। अब ये था इंडिया का टॉप क्लास कैशबैक कार्ड, ये सभी लोग यूज करते थे, अब ये तो टॉप क्लास तो नहीं रहेगा मेरे शायद से। तो आप अभी अगर ये कार्ड लेने के सोच रहे हो तो अभी ये डिवाइस चार्ट पढ़ के ही सोच कर ये कार्ड अप्लाई करना, ठीक है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड के बारे में। उम्मीद है आप लोगों को इसके कार्ड का जो डिवेल्यूशन हुआ है इसका पूरा चार्ट आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो कुछ ज़रूरी जानकारी मिला हो तो आप इससे दोस्तों के साथ शेयर करना, जिन जिन लोगों के पास ये कार्ड अभी अवेलेबल है उन लोगों को ये वीडियो शेयर करना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कॉमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।